तो अभी हम लोग सुन रहे हैं भगवान वन गमन किए हैं और मार्ग में है, रास्ते में भगवान, और रात्रि हो गई है, रात्रि का समय है, भगवान राम माँ सीता विश्राम कर रहे हैं और साथ में है लक्ष्मण जी, और बिस्तर लेकर के गए नहीं है क्योंकि तो कई माँ का आदेश था। 14 बरस राम वनवासी और तापस देश विशेष उदास, तपस्वी का भेष बना कर, और जो तपस्वी होते हैं वे संग्रह परिग्रह से रहित होते हैं, इसलिए भगवान ने भी कोई संग्रह नहीं किया है, कुछ साथ में लेके नहीं गए, बस तन है और तन को ढकने के लिए आवश्यक वस्त्र है और कुछ नहीं। साथ में लक्ष्मण जी महाराज हैं और माता सीता है, और आज जहाँ भगवान पर विश्राम भगवान विश्राम कर रहे हैं तो इन तीन के अलावा एक और है जिनके भगवान के मित्र हैं, निषाद राज गुही। तो आपने अभी सुना है कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, विश्राम कैसे कर रहे हैं तो सैया बनी हुई है, बिस्तर लगा हुआ है, कैसी सैया है तो पर्ण सैया, पत्तों की सैया, पत्तों की सैया लगी है और उसी पर भगवान विश्राम कर रहे हैं, और भगवान का मुख मलान नहीं है, मलिन नहीं है, प्रसन्न है, और साथ में माँ सीता भी विश्राम कर रही है। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, जब बन जाने लगे थे भगवान तो लक्ष्मण जी गए थे, तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ पहले माँ से आदेश ले लो। सुमित्रा माँ के पास गए थे लक्ष्मण जी, तो सुमित्रा माता ने कहा था कि लखन ये मत समझो कि यहाँ से राम के चले जाने के बाद यहाँ अयोध्या होगी, अवध होगा, ऐसा मत समझना। भगवान ने सुमित्रा माता ने कहा था जहाँ राम है वही अयोध्या है, तो कैसे, तो जहाँ सूर्य है वही प्रकाश है वही दिन है, जहाँ सूर्य है वहाँ दिन है, ऐसे ही जहाँ राम है वहाँ अवध है। और चलते चलते माता सुमित्रा ने एक बात कही थी कि बेटा अगर तूने मेरा दूध पिया है और मेरे कोख से तूने जन्म लिया है तो मेरे दूध को लजाना मत, मेरे कोख को बदनाम मत करना, पुत्र स्वप्न में भी राम को कष्ट न हो, ये ध्यान रखना, सपने में भी राम को दुख न हो, ये ध्यान रखना। उसी क्षण लक्ष्मण जी ने संकल्प किया था कि ठीक है माता, आप कहती हो कि सपने में भी राम को कष्ट नहीं हो, तो मैं आपको आज वचन देता हूँ, जब तक मैं भैया के साथ वन में रहूंगा तब तक मैं कभी सोऊंगा ही, कभी सोऊंगा ही नहीं, मैं सदैव जगा रहूंगा और जग करके मैं मेरे भाई की रक्षा करूंगा, ये संकल्प लिया है। इसलिए यहाँ भगवान और भगवती राम और सीता ये दोनों विश्राम मुद्रा में लेते हुए, और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर विरासन से बैठकर, विरासन समझते हैं घुटने के बल, एक घुटना धरती पर एक घुटना ऊपर, इसको कहते हैं विरासन। इसमें बैठ करके लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए, सजग है, सावधान है, मुस्तैद है, और भगवान का पहरा कर रहे हैं, भगवान की रक्षा में तत्पर है।
इसका मतलब ये नहीं समझिए कि भगवान को रक्षा की जरूरत है। ये लक्ष्मण का सौभाग्य है कि भगवान ने उनको सेवा करने का अवसर दिया। सारे संसार की रक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। उस भगवान की रक्षा कौन कर सकते हैं? ये उनको सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, सेवा कर रहे हैं। और ये भाव है कि मेरे प्रभु को कष्ट नहीं हो, इसी भाव को लेकर के लक्ष्मण जी डटे। और लक्ष्मण जी के साथ में गोहनेसार भी लगे। गोहनेसार जी भी लक्ष्मण जी का साथ दे रहे हैं। ये भी धनुष बाण लेकर के पारा में लगे हुए। उसी क्रम में देखते हैं गोहनेसार, रात्रि का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है, छाया हुआ है, साए साए की आवाजें हो रही, कहीं कुछ नहीं है, घनघोर जंगल है। वहीं पर भगवान है, पड़े हुए है। इस दृश्य को देखा है वो निषाद ने, उनका भीतर द्रवित हो गया। स्वाभाविक है, द्रवित हो गया। और द्रवित होने का मूल कारण यही है क्योंकि गुह निषाद भगवान को मित्र के रूप में देखते हैं। आपने पाठ में सुना ना, लक्ष्मण जी ने परिचय दिया है राम का, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ये ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है उनको क्या कष्ट होगा? ब्रह्म है तो रात्रि भी ब्रह्म की है और दिवस भी ब्रह्म का है, सब ब्रह्म का है। वो अपनों में स्वयं विश्राम कर रहे हैं, अपनों में खोए हुए हैं, अपनों में सजग है। लेकिन गोहनिषाद को ये समझ में नहीं है। गोहनिषाद अल्पज्ञ है। गोहनिषाद को इतना सौभाग्य अवश्य मिला है कि भगवान ने सखा का स्थान दिया है, मित्र का स्थान दिया, पर समझ अल्प है, थोड़ी है। और ये जगह जगह लक्ष्मण जी के साथ खड़े खड़े बहुत कचोटते हुए, भीतर से सिहरते हुए, द्रवित होते हुए, व्यथित पीड़ित होते हुए, उद्गलित होते हुए लक्ष्मण जी को कह सुनाते हैं कि भैया लखन, देखो इन दोनों कैसा सुकोमल शरीर है, कैसा देखने में फूलों से भी ज्यादा कोमल लग रहा है। लेकिन इन दोनों को इस स्थिति में लाने का एकमात्र अगर कोई है जिसको इसका परश्रय जाए, वो है कैकेयी। वो कौन है? कहते कहते कह देते तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, कह कह नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पन्हु खिन्न। बड़ा कठिनता करिए उसने, कह कह नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पन्हु खिन्न, जही अवसर रघुवीर ही, सुख अवसर दुख दिन। इनके सुख का अवसर था, सुख का क्षण था, लेकिन कैकेयी के मंद बुद्धि ने, कैकेयी की कुटिलता ने इन दोनों को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। ये व्यथित हो रहे जो निशा, ये बात सुनते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पहली बार मुस्कुराए और लक्ष्मण जी पहली बार अच्छा बोल रहे। लक्ष्मण जी पहली बार ज्ञान की बात बोल रहे। लक्ष्मण जी पहली बार मीठा बोल रहे जी। जल्दी मीठा नहीं बोलते, बड़ी कड़क आवाज थी लक्ष्मण, बहुत उनकी आवाज से ही डर के भाग जाते थे। शेष है ना, शेष जी का फुफकार देखा? शेष तो नहीं देखे, सांप का फुफकार जरूर देखे।
सांप है लक्ष्मण, धनकारते हैं फुंकारते हैं, ये कड़क बोलते हैं, इनकी आवाज से लोग भयभीत होते हैं, लेकिन ये पहला स्थान है कि ये मीठा बोले। मीठा क्यों बोले, इसका कई कारण है। एक जो कारण है इसका मैं बता रहा हूं, वो कारण ये है कि इसने आज राम की पूर्ण शरणागति ली है, इसने भगवान की पूर्ण शरणागति ली है लक्ष्मण ने। और भगवान बोलते हैं कैसे, यहाँ लक्ष्मण जी के लिए लिखते हैं तुलसीदास जी बोले लखन, लक्ष्मण जी बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, मधुर बोलते हैं, मृदु बोलते हैं। मधुर का मतलब होता है मीठा, मृदु का मतलब कोमल, कोमल और मीठा बोलते लक्ष्मण जी। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, क्यों बोले हैं ऐसा, इसलिए बोले हैं कि आज इन्होंने भगवान की शरणागति ली है, सबको छोड़ा है। पहले तो कभी माँ के पास जाते थे, कभी पिताजी के साथ रहते थे, कभी मित्रों के साथ खेलते थे, कभी शत्रुधन के साथ में जाते थे, घूमते थे, बहुतों के संग रहते थे, इनकी कड़क बनी रहती थी कड़क, लेकिन आज इन्होंने सबको छोड़ा है, सबका परित्याग किया है लक्ष्मण, सबका साथ छोड़ा है, और सबका साथ छोड़ करके लक्ष्मण जी भगवान का साथ दिया पूर्ण रूप से। अब भगवान कैसे बोलते थे राम, उनके लिए लिखा रामायण में, भगवान के लिए कैसे बोलते थे, अति विनीत अति विनीत। राम जब भी बोलते हैं बहुत विनीत होकर के, विनम्र होकर के बोलते हैं। राम के वचन में उदंडता का लेस भी नहीं रहता, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, शीतल। हम लोग तो केवल कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा को औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हुए कहते हैं, पर न तो आज तक हम खुद शीतल हुए और हमारा सुनने वाला कहां से शीतल होगा। भगवान कैसे बोलते, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, आ बोले राम जोड़ी दुग पानी। भगवान के बोलने का स्टाइल बड़े विनम्र बोलते। आज लक्ष्मण जी ने सबका परित्याग करके ऐसे विनयी मृदु भाषी शीतल वाणी के धनी श्री राम का संग किया है लक्ष्मण, उन्हीं का प्रताप है कि आज लक्ष्मण जी भी बोले हैं मीठा बोले। इसलिए संग भी देख सोच समझ करके करूं। भर्तृहरि का नाम आप लोगों ने सुना है, सुनते हैं कि नहीं, भर्तृहरि कहते हैं अनुकूल साथी मिले तो साथ रहिए, और वे लिखते हैं वरम न मित्रम को मित्र मित्रम, वरम न दारा कुदार दारा। वे कहते हैं अगर अनुकूल मित्र मिले तो उनके साथ रहिए, और नहीं मिले तो उनके साथ मत रहिए, अकेले रहिए, फिर अकेले ठीक। पत्नी है अगर अनुकूल है तो रहिए, इससे अच्छा अगर नहीं है तो बिना पत्नी का रहना अच्छा। वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, वरम न शिष्यो कुशिष्य शिष्यो, अगर शिष्य भी अनुकूल है, शिष्य भी अनुकूल है, हमें समझ रहा है, उसको हमारी समझ है और उनको ये विश्वास है कि हम उनकी समझ रखते हैं, अनुकूल है तो साथ रहो वरना मत रहो। वरम न मित्रम कुमित्र मित्रम, इसलिए संग बहुत सोच समझ करके किन्हीं का करना चाहिए, कैसी रहनी है, कैसी कहनी है, कैसी बोली है, कैसा विचार है, ये सब देख करके किन्हीं का साथ करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने साथ किया है ना, जो संग किया है भगवान का, तो रंग चढ़ा है,
और आपको पता है संत और भगवंत का रंग बड़ा, संत और भगवंत का जो रंग होता है ना वो रंग बड़ा ठोस होता है, गाढ़ा होता है। संत और भगवान का जो रंग होता है वो चढ़े तो जल्दी उतरता भी नहीं है। लक्ष्मण जी पर रंग चढ़ा भगवंत का। अब बोले हैं, बोले लखन मधुर मृदु वाणी। तो पहला तो कारण ये था कि संत था भगवान का, इसलिए बोल रहे। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है, इसलिए अच्छा बोल रहे लक्ष्मण जी, मीठा और मृदु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके भीतर में ज्ञान है, वैराग है और भक्ति है। ये तीन अगर आपके भीतर में है तो वचन जो मुंह से निकलेगा वो तीनों के रस को लेके निकलेगा। फिर आपके मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलेगा जिससे किसी को परेशानी बढ़े। अगर परेशानी बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो आपके भीतर से वाणी भी ऐसी निकलेगी कि बड़े बड़े का दिल दहल जाए, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान की बोली। मयूर देखे आप लोग, मयूर, मयूर की बोली सुने हैं? बड़ा मीठा बोलता मयूर, बोलता है वो बड़ा मीठा लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मयूर बोलता है, वचन मधुर बोले जिमी मोरा, अखाय महा अहि हृदय कठोरा। मयूर को देखिए क्या खाता है मयूर, सर्प, बड़े बड़े सांप को पकड़ के निकल जाता है इस मयूर। सांप, सांप को पकड़ता है और सीधे घटक जाता है, बड़ा कठोर है। कैसी जठराग्नि उसकी होगी समझिए, मयूर सीधे निकल जाता है। अब बोलता कितना बढ़िया है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है, क्यों? कहा कि उसके भीतर ठीक नहीं, भीतर अगर दुरुस्त रहता तो अच्छा रहता। और दूसरा एक है कोयली, कौन है कोयली? कोयली का उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया है, रामायण में दिया है। मज्जन फल देखिए तत्काला, आ काक हो ही पिक बतौ मराला। काक हो ही पिक, काक किसको कहते हैं? कौआ। कौआ की बोली किसी को अच्छी लगती है? काव 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 काव, जल्दी काव काव जल्दी करता तो ढेला मार कर उसके दूर भगा। कौआ। कोयली देखिए कहीं पेड़ की डाल पर बैठ जाएगी और बोलेगी, इतना कर्णप्रिय उसकी आवाज है, अच्छा लगता है। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ऐसे बोलना चाहिए सब, ऐसा बोलना चाहिए कि हमारी बात सुने लोगों को तो उनको कि और ये बोले, हमारे बोलने की प्रतीक्षा करें लोग, हमारी आवाज ऐसी हो, हमारे मुंह से निकली हुई बातें ऐसी हो कि लोग प्रतीक्षा करें कि थोड़ा बोलते, थोड़ा ये कुछ सुनाते, अच्छा लगता। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सत्य सुहाता वचन कहिए, क्या कहिए? सत्य कहिए और सुहाता कहिए, सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा कहिए जो सत्य हो और सुहाता हो। सत्य सुहाता वचन कहिए, ऐसा वचन बोलिए। इसका शर्त बस एक ही है, जब हमारे भीतर में ज्ञान दृढ़ होगा, जब हमारे भीतर में वैराग्य दृढ़ होगा, हमारे भीतर में भक्ति दृढ़ होगी। जो भक्ति ज्ञान और वैराग के बिना होगी वो भक्ति करेंगे तभी आवाज अच्छी नहीं होगी, समझ रहे हैं? भक्ति खूब कीजिए, मतलब फल फूल खूब चढ़ाइए मंदिर में, पूजा पाठ खूब कीजिए, खूब दिखावा कीजिए, जो भक्ति का विधि विधान है वो सब कीजिए, सब कुछ कीजिए,
और सत्संग भी सुनिए, कथा भी सुनिए, गुरु की सेवा भी कीजिए, मंत्र जप भी कीजिए, जो भक्ति वो सब कीजिए। यदि भीतर से यदि वैराग आपको नहीं है तब भी रस नहीं मिलेगा, तब भी रस नहीं होगा। वैराग होना चाहिए, वैराग। अब वैराग किसको कहते हैं? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम भगवान कृष्ण कहते हैं। वैराग का मतलब ये नहीं कि घर से अलग रहे, घर से दूर रहे, घर को छोड़ करके भाग जाए। उसमें भी सुन करके आपको ये बात जब हम कहते हैं लोगों को कि वैराग का मतलब ये नहीं कि घर से दूर हो जाना चाहिए, घर से भाग जाना चाहिए, ये वैराग का मतलब नहीं है। वैराग का मतलब घर में रहना चाहिए, तो सब गृहस्थ खुश हो जाते हैं और कहते हैं बाबा मेरे पक्ष की बात कर रहे हैं, मेरे फेवर की बात कर रहे हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। ये इतना भी आसान नहीं है। हम आपको लगता है कि घर में है, विरक्त है, लगता है, लेकिन होना बहुत कठिन है। जनक जी का नाम सुने, महाराजा जनक, सुखदेव जी को गुरु कोई था नहीं, पिताजी को लगा कि ये तो निगुरा है, तो क्या करे, पिताजी गुरु बनाओ, किनको गुरु बनाओ, तो जनक जी महाराज को। सुखदेव जी कहते हम ब्रह्मचारी वो गिरह, उनको हम गुरु बनावे, कहा जाओ तो पहले गए। जनक जी महाराज कोई साधारण थे? जनक जी महाराज विदेह जनक कहलाते थे, विदेह जनक, विदेह राज जनक। विदेह का मतलब क्या होता है? विदेह का मतलब देह में रह करके भी देह के ज्ञान से अलग। जैसे नारियल है ना, दो तरह का नारियल होता है, एक कच्चा एक पक्का। तो जो कच्चा होता है उसकी गिरी चिपटी रहती है, गिरी, उसको फोड़िए तोड़िए तो गिरी छूटेगी नहीं, चिपटी रहती है। और जो नारियल पक जाता है, पकते उसका किनारा छूटता है, कोर उसका छूटता है। ऐसे ही जो संत होते हैं शरीर से छूट करके रहते हैं, जो संत होते हैं शरीर में रह करके शरीर से अलग रहते हैं, वैसे ही जैसे दूध को मत करके घी को हम बाहर कर लेते हैं और फिर उसी घी को रखिए दूध में तो अब मिलेगा। एक बार हमने दूध का मंथन किया, उसके बाहर घी को कर लिया, अब फिर उसको आप कितना भी प्रयास करिए मिलाने का तो मिलेगा। अब वो दूध के ऊपर घी पड़ा हुआ उसको कहिए मिल जाओ तो मिलेगा, कितना भी ओटाइए वो मिलेगा, कितना भी ठंडा करके जमाइए मिलेगा, उसको मारिए पीटिए मिलेगा, कितना भी प्रयास कर लेंगे अब वो मिलने वाला नहीं है। अलग हुआ तो अलग हो गया। ऐसे ही जनक जी थे विदेह, माता सीता के पूज्य पिता श्री, विदेह है राजा जनक, देह में रह करके देह ज्ञान से परे, इंद्रियों के साथ रह करके इंद्रियों से परे। हम अभी कैसे हैं? सूरत क्यों भूल रही अब चेत चलो स्वामी पास, राधा स्वामी। हे इंद्रिन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल के पास, हे मनवा तू सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। हमेशा मन के संग हम रहते हैं, हम हमेशा इंद्रियों के संग रहते हैं, इनके फंदे में पड़े हुए, इनके बंधन में पड़े हुए। एक बंधन तो पहले लगा है ना, जड़ चेतन का, हम है चेतन है, शरीर क्या है, जड़। ये तो पहले लग गया, पहला बंधन पड़ा दे का, ये जड़ चेतन की ग्रंथि पहले पड़ गई। जड़ चेतन की ग्रंथि, इंद्रियों की ग्रंथि, मन की ग्रंथि, बुद्धि की ग्रंथि, चित्त अहंकार की ग्रंथि, शरीर की ग्रंथि तो पड़ गई है, इसी में हम पड़े हुए हैं। और ऊपर से फिर एक पत्नी कर लिए तो पत्नी की ग्रंथि पड़ गई, पति का ग्रंथि पड़ गया, ऊपर से फिर एक पुत्र हो गया तो उसकी ग्रंथि पड़ गई, फिर दूसरा पुत्र हो गया तो उसकी ग्रंथि पड़ गई। एक व्यक्ति मुरादाबाद में, उसका 56 बेटा है, सुनते कैसे कैसे लोग ग्रंथि पर ग्रंथि दिए चले जा रहे हैं।
बंधन पर बंधन दिए चले जा रहे, और इसके संग में रह करके जो संग से अलग हो जाए वो संत कहलाता है। दूध के भीतर में घृत है, लेकिन जब एक बार नत करके अलग कर लिए तब आप उसके भीतर रह करके मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं वैराग। क्या बोलते हैं? वैराग। इसको बोलते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। अब देखिए वैराग कैसे हमको लाना है, चिंतन कीजिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही, समझ रहे बात, सुन रहे हैं, ध्यान सुनिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, इन सब का ख्याल करना चाहिए सबको कि शरीर हमारा आज है, इसके मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के क्षण बड़ी पीड़ा होगी, मृत्यु के समय होश में हम मरे ये कोई विरले ही होता है। प्रायः लोग बेहोश होके मरते हैं और बेहोशी में तड़पते हैं मरते हैं। यदि थोड़ा सा होश आता भी है तो वो नाती पोता ख्याल में आ जाता है, धन दौलत ख्याल में आ जाता है। अगर होश आया भी तो वो सबका आता है। जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कहीं आवत नहीं, बड़ा कठिन है, इसका ख्याल करना चाहिए व्यक्ति को, तब वैराग उत्पन्न होता है भीतर से। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा कहते हैं वृद्धावस्था, बूढ़े को देख करके हमको बहुत डर लगता है। आप लोग को डर लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए तो बाल रंगाते हैं। अगर बूढ़ा को देख करके डर नहीं लगता तो फिर बाल क्यों रंगाते हैं? मन में है कि जल्दी हम बूढ़ा नहीं हो, कोई हमें बूढ़ा नहीं कह दे। यदि एक बार कोई कह देता है बूढ़ा, एक बार एक बस में सफर कर रहे थे तो एक बूढ़ा बाबा बैठे थे, एक व्यक्ति बैठे थे, अचानक बस रुकी तो 8-10 विद्यार्थी चढ़े। अब विद्यार्थी तो उनका अलग अपना संसार होता है विद्यार्थियों का, विद्यार्थी का जीवन तो आप लोग जानते हैं। विद्यार्थी सब चढ़ा बस में, कहता है बूढ़ा हटे, तो बूढ़ा कहता रहे हमको बूढ़ा कहता है। विद्यार्थी कहते हैं बूढ़ा तो क्या कहेंगे, बूढ़ा मत कहो, कहता हूँ भूतपूर्व जवान कहो, बूढ़ा कोई सुनना नहीं चाहता, खराब लगता है, लेकिन आता है ये बुढ़ापा। जब आता है ना तो सबसे पहले रूप को छीन लेता है। सबसे पहला काम इसका बुढ़ापा का क्या है, जो चेहरे में भी चमक है ना, ये चमक उस तेज ओज को खत्म कर देगा। चेहरे में झुर्रिया पड़ जाती है, चमड़ा सिकुड़ जाता है। अभी कितना टाइट चमड़ा रहता है देखते हैं ना, कितना सॉफ्ट है, चमकदार है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो सब बदल जाएगा। फिर जल्दी लोग आपको छुएगा भी नहीं, ये स्थिति आ जाती है। आपसे आंख से काची पीछे चलता रहेगा, आंख से बहेगा नाला, आंख पे तने का जला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला। जरा जिंदगा जरा, ये बड़ा दुखदायिनी अवस्था होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन चिंतन करो, वैराग लाओ थोड़ा जगत से, और बूढ़ा होने के पहले शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाए, इंद्रियों का बल हमारा शिथिल हो, उसके पहले कुछ ऐसा कर लो, कुछ ऐसा पालो कि बुढ़ापा सुखद होकर के रहे, सुखद होकर के रहे। हमारे सदगुरु महाराज जी 100 वर्ष की अवस्था में भी, उनका देखे होंगे आप लोग, जो गुरु महाराज जी को देखे होंगे, 100 वर्ष की जरा अवस्था में भी क्या आकर्षण था गुरु महाराज, क्या तेज था, क्या चमक थी। और मैंने सुना है कि वो 100 वर्ष की अवस्था में जो उनकी हार्ट की जांच की गई थी, वो 18 साल के बच्चे का जो हार्ट काम करता है वैसा काम कर रहा था गुरु महाराज। गठिया तो कभी फटका नहीं पाते,
बुढ़ापा सुखद कब होता है? जब जवानी में थोड़ा वैराग्य हो, जवानी में थोड़ा विषयों से हम विमुख होकर के रहें, थोड़ा साधन भजन करें, तो फिर बुढ़ापा हमारा सुखद होता है। आगे मस्तानी तो पीछे पछतानी, और आगे पछतानी तो पीछे मस्तानी। अभी थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा साधना अगर करेंगे तो वो स्थिति, वो समय हमारा ठीक दिखता है बुढ़ापा। भगवान कर रहे, थोड़ा चिंतन करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब रोग दुख दोषानु दर्शनम, ये सब दर्शन करो और इंद्रियों के अर्थ में वैराग करो। अगर ऐसा करते हो तो भगवान कहते वो सच्चा वैराग्य है। ऐसा वैराग्य हमारे भीतर में रहना चाहिए और साथ साथ ज्ञान भी रहना चाहिए। कौन सा ज्ञान रहना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान, कौन सा ज्ञान? गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं माता जी क्यों इतना बोलते हैं, योग करो, योग से जो थोड़ा बहुत ज्ञान उत्पन्न होगा ना, वो ज्ञान अस्थाई ज्ञान होगा, वही ज्ञान मधुरता। बहुत पढ़ने लिखने वाला ज्ञान मिठास हमारे भीतर पैदा नहीं करता। लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा लच्छेदार तो बोलेंगे पर मधुर और मृदु, इसका तो शर्त है ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। भीतर में योग से उत्पन्न ज्ञान हो और भीतर में ये इंद्रियों और विषयों का वैराग, हमारे इंद्रियां विषयों से बच कर के रहे और हम भक्ति करें और ज्ञानमय भक्ति करें, तब हमारे भीतर में रस प्रकट होता है। बोले लखन, सुन रहे आप लोग, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान बैराग भक्ति रस सानी। क्या बोले लक्ष्मण जी? कहते हैं कौन कहो सुख दुख कर दाता, मत कहो के कई का नाम मत लो, के कई को दोष मत दो, कोई किसी के यहाँ सुख दुख नहीं देता। ये लक्ष्मण जी का वेदांत ज्ञान है। आपने आगे सुना ना वेदांत ज्ञान कितना अच्छा है उनका, मोह निशा सब सोवन निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये जो मोह की रात्रि में सो रहा है उसी को ये सुख दुख मालूम पड़ता है। जहाँ मोह है वही सुख दुख का भान है, भास है। मोह खत्म, अज्ञानता खत्म, जग गए तो वहां न सुख है न वहां दुख है, मेरे सिवा कुछ है नहीं, और हम खुद आनंद के स्वरूप। अब वो जोगी लोग होते ऐसे जगने वाले, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है वहां तो आनंद ही आनंद है। ये वेदांत ज्ञान है। लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। जब तक हम मोह में पड़े हैं, ज्ञान में पड़े हैं, तब तक हमारे लिए सुख दुख है। कैसे है सुख दुख? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कर्मों के आधार पर। आप कभी ये मत सोचिए, कहिए कि भगवान ने हमारे जीवन में दुख लिख दिया। आप कभी मत ये कहिए कि फलाना ने हमें दुख दिया है। इस सृष्टि में भगवान ने संसार की रचना करी और यहाँ पर भगवान ने कर्म को प्रधान बना करके रखा। दुख किसने लिखा? तो खुद हमने लिखा। सुख किसने लिखा? तो खुद हमने लिखा। भगवान तो दृष्टा है, हमने जैसा कर्म किया वैसा उद्धृत हो गया, वैसा लिखा चला गया, वो हमने खुद लिखा, हमारा खुद का लिखा हुआ है सुख या दुख। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान वैराग भक्ति रसानी, कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो राधा। हे भाई, आपने किए कर्म का फल भोगना पड़ता है। भगवान, भगवान मानव तन में है ना, भगवान मानव के शरीर में रहकर भी ही नया नया कर्म बनता है। आप भी मछली खाइए और एक कुत्ता आगे वो भी खा ले, बिल्ली खा ले मछली, तो बिल्ली को मछली खाने का कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा।
है ना, लेकिन मनुष्य को भोगना पड़ेगा। एक कुत्ता को आप मार दीजिए, कर्म का फल बनेगा वहां, और एक कुत्ता को सिंह मार दे नहीं बनेगा। ये मानव का शरीर जो है ना, ये कर्म प्रधान है बस। इसका मतलब खराब ये नहीं है, इस मानव के तन में रह करके आप अच्छा अच्छा कर्म कीजिएगा तो सुख ही सुख मिलेगा, शांति ही शांति मिलेगी। अशुभ कर्म करेंगे तो उसका फल दुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं अच्छा कर्म कीजिए। कबीर साहब कहते हैं सुकिरत कर ले, सुकर्म कीजिए। कुकर्म की तो बातें नहीं, उसका तो सोचना भी चिंतन भी नहीं करना। सुकिरत कर ले, साथ साथ अब तक जो कर्म बना है ना, गंदा गंदा कर्म जो अब तक बना है, जिसका फल भविष्य में दुख आने वाला है, अगर उससे बचना चाहते हैं, सुनिए, सुकिरत कर ले नाम सुमिर। कौन नाम सुमिर ले? वही नाम जो सुमिरा था कौन, रत्नाकर, वो नाम सुमिर ले, वो नाम सुकिरत कर ले नाम सुमिर ले, वो नाम सुमिरन कीजिए। सुमिरन सुरत लगाई कर मुक्ते कछु न बोल, अंतर का पट दे कर, बाहर का पट दे कर, अंतर का पट खोल, वो नाम सुमिरन करें, नाम का सुमिरन करें। कबीर साहब कहते हैं गंदा काम कभी मत कीजिए, सुकिरत कर ले, गंदी बात कभी नहीं बोलिए, गंदा रूप कभी नहीं देखिए, गंदा शब्द नहीं सुनिए, गंदा काम कुछ भी मत कीजिए और अच्छा काम कीजिए, सत्कर्म कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, और ये करते हुए सुमिरन करें। अभी सत्कर्म करेंगे तो आगे सुख मिलेगा, और सुकर्म करेंगे तो जो फल गंदा आने वाला है ना, वो फल हमारा मिटेगा, उससे हम बचेंगे, हमें सुख मिलेगा। सुमिरन वही नाम का सुमिरन, नाम सुमिरन, नाम का सुमिरन। और नाम का सुमिरन कहाँ से होता है? दो तरह का नाम होता है ना, जानते हैं ना आप लोग, एक होता है वर्णात्मक और दूसरा होता है वर्ण्यात्मक। वर्णात्मक नाम का जप होता है और वर्ण्यात्मक नाम का ध्यान होता है। वर्णात्मक नाम को हम मन ही मन जपते, वर्णात्मक नाम बहुत है। तादु सृजन हार के केते नाम अनंत, चित आवे सोए लीजिए सुमिरे साधु संत। जो मंत्र आपको अच्छा लगे या गुरु जो मंत्र बतला दिए हैं, उस मंत्र को जपिए, जपते रहिए, करते कर्म करो विधि नाना, असुरत राखो जहां कृपा निधाना। सुरत से ख्याल से हमेशा जपते रहिए मंत्र को, हमेशा जपिए, हरदम रटो, कभू ना हटो तो है छेड़ेगा न का। जो नाम हमेशा जपते रहेंगे तो काल की दाल नहीं गलेगी। जब ही नाम हृदय पड़ा, देखिए सुनिएगा ध्यान, जब ही नाम हृदय पड़ा भया पाप का नाम, जैसे छिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की छिनगाई सूखी घास पर पड़े तो घास रहेगा? जैसे छिनगारी, छोटी सी छिनगारी अग्नि की पड़े सूखी घास पर तो वो घास जल के भस्म, ऐसे ही जब ही नाम हृदय पड़ा, बड़ा भाव है सुनिएगा। पहले तो एक मंत्र को हम लोग जपते हैं, ये वर्णात्मक नाम का जप करना है, मन ही मन जपते हैं, मन ही मन जपते रहिए, जपते जपते एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप ये जपा जाएगा, अपने आप तार बंध जाएगा, फिर तार टूटेगा नहीं, हमेशा।